तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। देखो ये तो कोई दो राय नहीं है कि बड़ी भयानक बीमारी सी सी, क्योंकि मैनू ऐ लगता भी ये बीमारी जिहड़ी आ बनाई गई है। चाइना जिथों ये बीमारी शुरू हुई आ उत्थे खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया और पूरे दुनिया नू अपने सिकंजे च इन्हें ले लिया। और साढ़े देश दे विच भी 22 मार्च तो लैके लगातार 30 नवंबर तक, हुण डेट फिर 30 नवंबर करती है लॉकडाउन की 5th दी। सरकार ने अपने तौर पर बड़े अच्छे उद्यम किए ने, अच्छी गल आ लोगों का, लेकिन स्पोर्ट्स जड़ा वा वो भी काफ़ी बैकफुट पर चला गया सी। और अज लोगों आस बजी है और खास तौर पर जोड़ा सा स्पोर्ट्स आ नौजवान आ वह भी घर बैठा सी, और अज उन्होंने महसूस होया कि हुण कोरोना वगैरह कोई रहा नहीं आ। वैसे भी कोरोना की कोई दवाई तो बनी नहीं है, वो तो सिंपल गर्म पानी पी लो। पहला भी गला खराब हुंदा सी, पहला भी फीवर हुंदा सी, पहला भी छिक्कां आंदियां सीगियां, चेस्ट ब्लॉकिंग तो पहला भी हुंदी सी। लेकिन फर्क की पै गया कि हुण इहदे कोरोना दे नाल इक शब्द दे नाल लोक आप भी सुचेत हो गए। खास तौर पर जो सर्दियों का समय आता वा उदों जिन्ने भी साडे बजुर्ग ने बच्चे ने उन्हां नूं इह प्रॉब्लम जिहड़ी आम आती सी। और इस तो अलावा हुण बहुत सारिया बीमारियां, चिकन गुनिया वा, प्लेग आ, पता नहीं किन्नियां बीमारियां दुनिया च आईयां वा, टीवी आई सी, अज वो सारिया चीज़ा खत्म हो गई। कितने ना किसी ना साडे विज्ञानक लगे हुए ने, पूरी दुनिया के विज्ञानक लगे ने, इहदी किते ना किते कोई दवाई जिहड़ी आ और जरूर जिहड़ी आ वह अज नहीं कल परसों जरूर मिल जाऊगी। लेकिन फिर भी असी सिर्फ ये हाथ ते हाथ रख के बैठे रहिए कि कोरोना कदों खत्म होगा, अपनी दिनचर्या असी जी अपनी एक्टिविटीज़ आ उन्हों मतलब खत्म कर दिए। तो खास तौर पर जो स्पोर्ट्समैन परसन आ वो तो कभी रह नहीं सकता, उन्होंने ग्राउंड चाहिए वा, उन्होंने खेड लिए गेम चाहिए आ, उन्होंने ये चीज़ा जीडिया वा कभी उन्होंने मायने नहीं रख दियाँ। तो मेरा ख्याल आज मैं इतने भी बचे मैं देख रहा उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह वा इस टूरनामेंट को लैके, और मैं उन्होंने मुबारकबाद दिनों इतने की जी सा विशेष तौर पर प्रबंधक कमेटी आ, साडे पंजाब के यूथ के संगठन के भी, और इतने ताडे NCB आ वीरपाल दानव जी और उन्होंने सारी जी टीम आ, मैं दिल दी गहराइयों उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना वा। और विशेष तौर पर इतने जोड़े बच्चे ने उन्होंने भी इस गल ही मुबारकबाद देना चाहना कि उन्होंने एक करो जी अज टीम तकरीबन पंजाब के 11 जिले के टीम आई हैं, अंडर 19 के अंडर 17 के बच्चे आए हैं जिन्हों में लड़कियां भी है। ये भी मेन गल है कि स्पोर्ट्स के लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो दूजा जरा जी गेम है आर्चरी जी, ये आप एक फोकस दिंदी है, एक एम दिंदी है कि अपना जो बच्चा ये गेम खेलता है तो वह एक निशाना होता है कि मैं इस एम से निशाना लाना है। इस तो आप जिंदगी की प्रेरणा भी मिलती है कि जो अपना फोकस अपना कुछ करने का एम है उस तो बंदा प्रेरित होकर अपने फोकस वालू जाना, अपने एम वालू बंदा भटकता नहीं है किसी नशे की राह तो किसी होर राह नहीं बनता। हाँ जी सर, मैं भी इस गेम में पहला खेलता रहा वा, पर नॉर्मली देखा जाए तो कि आर्चरी गेम है जी यदा लैवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, पर यू ज़्यादा मतलब नहीं किया जाता गा। तो असं हम जल्दी जिमें कि थोड़ा सोनू भाई जी ने दसिया कि आने वाले 6 महीनों के असं नैशनल लैवल से भी जो पंजाब कित भी नहीं होया आप मोगे शहर के लेके आ रहे हैं। साढ़े फादर वाहिद अली जी उन्होंने तो ही प्रेरित होकर असं जोड़ा भी वर्क करते हैं, मतलब कोई समाज सेवा का काम है या कोई स्पोर्ट्स का काम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये गेम हुई थी गुरुकुल स्कूल टूरनामेंट अपना होया तो उदों उत्थे चीफ गैसट गए थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उच्च इंट्रस्ट भी दिखाया था तो खेडों बारे प्रेरित भी किया बच्चों। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और हमारे एकेडमी का नाम GKM आर्चरी है और हमारी एकेडमी बहुत अच्छी है। मैं 2 साल से आर्चरी कर रही हूँ और मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। जब मैं 1st क्लास में थी मैंने तब से शुरू की है आर्चरी। हम पटियाला से आए हैं और हम आर्चरी के इंटरनेशनल्स के लिए आए हैं। सो दिस इज़ माय 2nd इंटरनेशनल्स और जो पहले हुआ था वो रखड़ा में हुआ था कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल में, और ये मेरे 2nd इंटरनेशनल। मेरे स्कूल में से सिर्फ मैं ही आई हूँ और मेरे साथ पटियाला से 4 बॉयज़ और हैं और आई एम द ओनली गर्ल। आज जी पंजाबी फील्ड आर्चरी एसोसिएशन वालों मोगा शहर स्टेट लैवल का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ये प्रोग्राम ज टूरनामेंट है ये अंडर 17 अंडर 19 के जो प्लेयर ने हिस्सा ले रहे हैं, सीनियर्स भी आए हैं। तो ये पूरे जिले के
तकरीबन 11 पूरे पंजाब 11 जिले टीम आई हैं ने टूरनामेंट बहुत ही वड्डे पद्धर से करवाया जा रहा तो साड़ी ये कोशिश है भी इस टूरनामेंट में कामयाब तो होना ही होना तो बहुत ही जल्द असी मोगे शहर के जोड़ा कि टूरनामेंट अज तक नैशनल लैवल पंजाब अज पंजाबी फील्ड आर्चरी एसोसिएशन वालों ये दूसरी चैंपियनशिप करवाई जा रही है। इसकी शुरुआत साढ़े प्रसिद्ध समाज सेवक और साढ़े दिलों में हमेशा रहने वाले वाहे साहब जी ने करवाई सी उन्होंने पाए हुए पूर्णिया के चलदे हैं।